हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी फिजिक्स प्रीवियस की इस सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस, या फिर इसी टॉपिक को अपन बोल सकते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। ओके, आज अपन डिस्कस करेंगे वेरिएशनल प्रिंसिपल को, जो कि अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ओके, वेरिएशनल प्रिंसिपल को अपन फिजिक्स की और भी ब्रांच है, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है, यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन यूज़ करते हैं, तो वेरिएशनल प्रिंसिपल अपना बहुत ही जगह पे यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आज अपन आज के इस लेक्चर में यही देख जानेंगे कि वेरिएशनल प्रिंसिपल होता क्या है और ये क्यों यूज़ किया जाता है। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि वेरिएशनल प्रिंसिपल अपना होता क्या है और इस प्रिंसिपल में अपन क्या काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे देखो, अपने को क्या काम करना रहेगा कि एक अपना कोई सिस्टम है, सिस्टम बोल सकते हैं या फिर कोई पार्टिकल बोल सकते हैं, वो सिस्टम अपना एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, उसकी मोशन हो रही है। ठीक है, यहाँ अपन कंसीडर कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि एक अपना सिस्टम है, वो सिस्टम किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये अपने को पता है कि यदि कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में यदि सिस्टम की मोशन होती है तो वो सिस्टम के लिए उस कंडीशन में लार्ज नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी पाथ वहाँ पे सिस्टम के द्वारा फॉलो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपने को इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए, जो कि आज अपना टॉपिक रहने वाला है वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए अपन उस सिस्टम की मोशन के लिए करेक्ट पाथ ऑफ मोशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, और अपना मेथड क्या रहेगा कि सबसे पहले जब सिस्टम की मोशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हो रही है, तो उसकी टोटल पाथ को दिखाने के लिए अपने पास एक लाइन इंटीग्रल होगा। ठीक है, और जो अपने पास करेक्ट पाथ होगा, उस करेक्ट पाथ के लिए उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, स्टेशनरी होगी। ठीक है, स्टेशनरी होगी, या फिर उसको अपन एक्सट्रीमम वैल्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो यदि वैल्यू अपने पास पाथ की कैसी होती है, जिसको अपन लाइन इंटीग्रल के थ्रू शो कर रहे हैं, तो यदि वैल्यू क्या होती है, एक्सट्रीमम होती है, तो वहाँ पे यदि अपन वेरिएशन देखें, ठीक है, उस पाथ का यदि अपन वेरिएशन देखेंगे तो वो वेरिएशन क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे मेथड को थोड़ा सा देखने के बाद में, थोड़ा सा सुनने के बाद में आपको लगा होगा कि ऐसा एक सिमिलर सा मेथड अपन ने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, पहले भी अपन ने एक मेथड को डिस्कस किया है, वो लगभग यहाँ इस मेथड से सिमिलर था, और वो था अपना हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। वहाँ पे अपन ने हेडिंग लिखी थी हैमिल्टन्स प्रिंसिपल या फिर हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो जो अपना हैमिल्टन प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा था, वो इसी वेरिएशनल प्रिंसिपल का एक स्पेशल केस था। वहाँ पे भी जब अपन ने, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ हैमिल्टन प्रिंसिपल के बारे में, कि जब अपन ने हैमिल्टन प्रिंसिपल को डिस्कस किया था तो वहाँ भी अपन ने सिस्टम की मोशन को कंसीडर किया था किन्हीं दो फिक्स पॉइंट के बीच में, टाइम t1 to t2। ओके, और वहाँ पे जब अपन ने देखा था कि सिस्टम, जैसे कि यदि अपन इसको डायग्राम से देखें, डायग्राम से आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि जब अपन ने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, तो कोई भी दो, यहाँ पर अपने पास कॉन्फ़िगरेशन स्पेस था, ये कोई भी अपने पास एक्स वाई एक्सिस ले लो, या फिर एक दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट वाली एक्सिस ले लो, या फिर ये टाइम वाली एक्सिस, ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगी। जब अपन ने हैमिल्टन को किया था तो वहाँ पे अपन ने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से रिप्रेजेंट किया था, और ये अपनी टाइम एक्सिस थी, क्योंकि वहाँ पे अपन ने सिस्टम की मोशन को दो फिक्स पॉइंट पे टाइम t1 से t2 के बीच में अपन ने कंसीडर किया था। ठीक है, तो इसको अपन ने टाइम एक्सिस लिया था और ये हो गई थी अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो देखिए जब अपन ने हैमिल्टन प्रिंसिपल को किया था, तो यहाँ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट को मैं पी पॉइंट ले रही हूँ और दूसरा पॉइंट था अपना क्यू पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे जब ये अपना कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्सिस था, जिसको अपन ने क्यू के से रिप्रेजेंट किया था, और ये अपनी थी टाइम एक्सिस। तो देखिए,
हैमिल्टन प्रिंसिपल में अपन ने क्या देखा था कि हैमिल्टन प्रिंसिपल में जो अपना सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मोशन कर रहा था, तो वहां पे अपन ने उसका करेक्ट पाथ ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए एवरी पाथ के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड किया था, लैग्रांजियन। ओके, एवरी पाथ के करस्पॉन्डिंग अपन ने लैग्रांजियन फाइंड आउट किया था, और जो टोटल पाथ को जो रिप्रेजेंट करेगा उसके लिए अपन ने एक लाइन इंटीग्रल निकाला था, और वो लाइन इंटीग्रल आया था अपने पास इंटीग्रेशन अबाउट इंटीग्रेशन एल डी टी, और ये जो अपने पास वैल्यू आई थी वो किसको उसको अपन ने डिफाइन किया था हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन एस सी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट पाथ ऑफ मोशन देखो, यहाँ पे पॉसिबल पाथ अपने पास बहुत सारे हो सकते हैं, किसी भी पाथ के थ्रू अपना सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो पाथ जो सिस्टम के लिए अपने पास करेक्ट पाथ होगा वो कौन सा होगा, वो होगा कि जिस पाथ के लिए अपने पास ये लाइन इंटीग्रल क्या देता है, एक्सट्रीमम वैल्यू देता है, स्टेशनरी वैल्यू देता है, वही सिस्टम का क्या होगा, करेक्ट पाथ होगा, ठीक है। और यदि इस करेक्ट पाथ यदि इसमें वेरिएशन की बात करें तो वो वेरिएशन क्या होगी अपने पास, इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। तो ये अपन ने बात किस में करी थी, वेरिएशनल प्रिंसिपल में। तो यहाँ भी अपने को लगभग सिमिलर सी बात करनी है वेरिएशन में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंटीग्रेशन, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा, यहाँ अपने को लैग्रांजियन फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ अपना मेथड थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ अपन देख लेते हैं कि यहाँ अपने को क्या काम करना है। तो देखिए देखिए यहां अपना लिखा जाएगा, ओके, देखो वेरिएशनल प्रिंसिपल में अपने को क्या काम करना है कि यहां किसी भी डायनामिकल सिस्टम डायनामिकल जो प्रॉब्लम होगी अपने पास कि सिस्टम अपना मोशन में है, उसके उसको अपने को सॉल्व करना है, उसके मोशन को अपने को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ अपन ने शो कर दिया कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई भी दो फिक्स पॉइंट अपन ने ले लिए पी एंड क्यू। इसके लिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि अपन देखते हैं तो ये अपने पास होंगे एक्स वन वाई वन, और यदि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन देखते हैं तो वो होते हैं अपने पास एक्स टू वाई टू। ओके, तो जब सिस्टम अपना इस फिक्स पॉइंट से पी टू क्यू जब सिस्टम अपना क्या करता है, मोशन करता है, तो सिस्टम के जो पाथ होंगे वो लार्ज नंबर ऑफ पाथ अपने पास सिस्टम के लिए हो सकते हैं, किसी भी पाथ के थ्रू अपना सिस्टम पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जा सकता है, लेकिन करेक्ट पाथ ऑफ मोशन कौन सा होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन एक मेथड यूज़ करेंगे, एक कैलकुलेटिव मेथड यूज़ करेंगे, और वही कैलकुलेटिव मेथड अपना क्या कहलाएगा, वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो देखिए वेरिएशनल प्रिंसिपल में करेक्ट पाथ ऑफ मोशन जो पाथ के जो अपना सिस्टम जो सिस्टम ने जिस पाथ को फॉलो किया है वो कौन सा होगा, इसको निकालने के लिए यहाँ अपने पास इंटीग्रेशन मेथड अपन यूज़ करते हैं, वही इंटीग्रेशन मेथड अपना क्या कहलाता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपन थोड़ा सा क्या स्टेप्स अपने को यहाँ पे फॉलो करनी है उन चीज़ों को लिख लेते हैं पहले। देखिए द सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ पे अपना एम क्या है, यहाँ अपना एम है सिस्टम की मोशन जब दो फिक्स पॉइंट के बीच में हो रही है तो उसके लिए करेक्ट पाथ ऑफ मोशन कौन सा होगा, यहाँ अपने को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फाइंड ये पाथ को फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, वही अपना वेरिएशनल प्रिंसिपल होगा, और यहाँ पे कौन से स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं, तो वो देखिए द सॉल्यूशन ऑफ डायनामिकल प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग पॉइंट्स
ठीक है, किसी भी डायनेमिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो होता है किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट पॉइंट होगा अपना द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट पॉइंट लिखा जाएगा। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकंड पॉइंट अपना क्या होगा? सेकंड पॉइंट अपना लिखा जाएगा द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स, द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। ओके, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले अपने पास जान लेना कौन सी ज़रूरी है कि सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका करेक्ट पाथ ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पार्टिकल अपना, सिस्टम अपना कौन से पॉइंट तक मोशन कर रहा है। दैट इज़ यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट अपन ले रहे हैं वो अपने पास क्या होने चाहिए, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। ओके, कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपना सिस्टम कहाँ से कहाँ तक मोशन कर रहा है, P2Q पॉइंट तक। ठीक है, दूसरी बात है कि सिस्टम के जो पार्टिकल है वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरियस नंबर ऑफ पाथ है अपने पास जिसमें पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। अब यहाँ पे करेक्ट पाथ ऑफ मोशन निकालने के लिए अपने पास मैथमेटिकल में अपने पास दो मेथड हो सकते हैं, एक अपना डिफरेंशियल मेथड, एक अपना इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, तो डिफरेंशियल मेथड में क्या काम करते हैं कि डिफरेंशियल मेथड में अपन मैक्सिमा और मिनिमा पाथ के लिए मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करके उसके पाथ को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ डिफरेंशियल मेथड में अपन जो डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रख के और जब उसका सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव के द्वारा के थ्रू अपन उसके मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड आउट कर लेते हैं और मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू अपन उस पाथ को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड जो कि यहाँ आज अपन यूज़ करने वाले हैं वो है अपना इंटीग्रेशन मेथड। और इंटीग्रेशन मेथड में अपने पास क्या प्रोसेस रहेगी वो अपन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, द इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट हो जाएगा अपना पीस वाइज इंफॉर्मेशन, फॉर विच फर्स्ट जो मेथड अपना डिफरेंशियल मेथड रहेगा जिसमें कि अपने को मैक्सिमा मिनिमा के थ्रू सिस्टम के लिए पाथ को फाइंड आउट करना रहेगा। फॉर विच डिफरेंशियल मेथड is used and second अपना रहेगा, second है अपने पास integration method, second को अपन देख सकते हैं the information of path
information of path followed by the particles can be obtained by integral calculation. और यही इंटीग्रल कैलकुलेशन अपना किस नाम से जाना जाता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल, जिसको अपन लिख सकते हैं वेरिएशनल मेथड. ओके, तो यहां पे अपन कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, यहां अपन यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड को. तो देखिए क्या अपने को काम करना है, कि सबसे पहले एक बार मैं शो कर देती हूँ कि वेरिएशनल प्रिंसिपल में वही अपन सबसे पहले सिस्टम के लिए पाथ को लेते हैं कि लेट ठीक है, यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है और लेट सिस्टम अपना P2 Q पॉइंट तक जा रहा है. ठीक है, ये अपना इसके लिए P पॉइंट हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका Q पॉइंट. ओके, यहाँ ये X एक्सिस हो जाएगी, ये इसके लिए Y एक्सिस. तो वेरिएशनल मेथड में देखो, वेरिएशनल प्रिंसिपल मेथड में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो कर्व अपने को गिवन है, यहाँ पे अपन जो कर्व लिया है उस पर एक छोटा सा एलिमेंट अपन कंसिडर करते हैं, वो होगा अपना DS एलिमेंट. ठीक है, यहाँ से यहाँ इसके बीच में एक एलिमेंट अपन लेते हैं, एलिमेंट को अपन डिस्क्राइब करते हैं DS से. तो देखिए यहाँ पे ये लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी DX और ये हो जाएगी अपने पास DY. ओके, तो टोटल DS की यदि अपन बात करें तो टोटल DS किसके बराबर होगा, पाइथागोरस से DS स्क्वायर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी DX स्क्वायर प्लस DY स्क्वायर. तो देखिए क्या काम करना है अपने को, ठीक है, इफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स हैज एक्सट्रीमम वैल्यू then variational method ठीक है, कि जब अपने पास देखो सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जब सिस्टम अपना मोशन में है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में सिस्टम की मोशन हो रही है, तो सिस्टम के पास पॉसिबल पाथ कितने हो जाएंगे, लास्ट नंबर ऑफ पाथ सिस्टम ले सकता है. तो वहाँ पे करेक्ट पाथ ऑफ मोशन अपना कौन सा होगा जिसके लिए लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो, स्टेशनरी हो, एक्सट्रीमम हो. ओके, तो यहाँ पे जब सिस्टम के लिए जो पाथ अपन लेके चल रहे हैं यदि उसकी वैल्यू एक्सट्रीमम है तो यहाँ अपना वेरिएशनल मेथड यूज़ किया जाता है. और वेरिएशनल मेथड में अपन क्या करते हैं, देखिए इन वेरिएशनल मेथड वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ such as ds square equals to dx square plus di square. ठीक है,
कि यहाँ अपने पास सिस्टम की मोशन के लिए एक कर्व है, उस कर्व में ठीक है यहाँ पे अपन ने इसका बीच में एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया जिसकी वैल्यू अपने पास डी एस स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर ठीक है। तो यहाँ पे यदि अपन क्या कर देते हैं डी एक्स स्क्वायर से यहाँ पे यदि अपन डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू आती है, वन प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर ओके। और यहाँ पे जो ये अपने पास फंक्शन बना है इसको अपन लिख सकते हैं वन प्लस वाई डेज और इसका स्क्वायर ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे जो y डैश अपन ने यूज़ किया है उसकी वैल्यू क्या है, y डैश है यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स ठीक है, डेरीवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x ठीक है। काम क्या किया है कि अपन ने एक कर्व ले लिया है सिस्टम की मोशन को दिखाने के लिए, उस कर्व में अपन ने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट माना है और लेंथ एलिमेंट की वैल्यू अपने पास क्या है डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। और यहाँ पे इसको यदि अपन फंक्शन के फॉर्म में लिखे तो फंक्शन के फॉर्म में ये अपना लिखा जाएगा एफ इक्वल्स टू वन प्लस वाई डैश स्क्वायर ओके। दैट इज यहाँ अपन क्या बोल सकते हैं कि जो अपना फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, वाई डैश का ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, हियर द फंक्शन एफ कैन बी द फंक्शन ऑफ वाई डैश एंड एक्स ठीक है। कि यहाँ अपने यहाँ देखो अपने को लाइन इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा और लाइन इंटीग्रेशन के लिए जो फंक्शन अपन यूज़ करेंगे वो किस किस का फंक्शन हो सकता है, वाई का, वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव का एंड एक्स का। दैट इज़ एफ अपना क्या आएगा, लिख सकते हैं अपन एफ अपना हो सकता है वाई का फंक्शन, वाई डैश का फंक्शन और एक्स का फंक्शन ठीक है। तो ये तो अपने पास उस पाथ के लिए फंक्शन आ गया। टोटल पाथ को यदि अपने को निकालना रहे तो टोटल पाथ के लिए क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो टोटल पाथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देन द टोटल पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द पार्टिकल्स देन द टोटल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स हैज द फॉर्म ठीक है। टोटल पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसका लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे और वो अपना रिप्रेजेंट किया जाएगा। उस लाइन इंटीग्रेशन को अपन किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल आई से। और यहाँ पे ये जो अपना लाइन इंटीग्रेशन होगा वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ और एफ किस किस का फंक्शन है, वाई, वाई डैश एंड एक्स ओके। तो यहाँ पे जो टोटल पाथ कौन सा करेक्ट पाथ मोशन होता है जिसके लिए इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो, एक्सट्रीमम हो ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फॉर करेक्ट पाथ ऑफ मोशन दिस लाइन इंटीग्रल हैज लाइन इंटीग्रल हैज एक्सट्रीमम या फिर स्टेशनरी वैल्यू ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट पाथ ऑफ मोशन कौन सा होगा जिसके लिए इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, स्टेशनरी होती है, वही अपना सिस्टम का क्या होता है, करेक्ट पाथ ऑफ मोशन होता है ठीक है।
अब यदि अपन इसमें वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन यदि डेल आई, आई में यदि अपन वेरिएशन निकाले तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के कौन सी वैल्यू रखना है अपने पास, स्टेशनरी वैल्यू रख रहा है, तो यहाँ पे इस ये इंटीग्रल में इंटीग्रल का वेरिएशन अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन एंड द वेरिएशन ऑफ पाथ विल बी, वो रिप्रेजेंट करा जाएगा अपना डेल आई से, और डेल एफ वाई वाई डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो यदि अपन इसमें वेरिएशन की बात करते हैं तो वो वेरिएशन क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो यही अपने पास वेरिएशनल प्रिंसिपल की फुल प्रोसेस होती है। ठीक है, काम क्या करना है कि एक अपना सिस्टम है, दो पॉइंट के बीच में सिस्टम की मोशन हो रही है, तो सिस्टम वहाँ उन दो पॉइंट के बीच में मोशन करने के लिए कितने भी नंबर ऑफ पाथ वो यूज़ कर सकता है, कितने भी पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम की मोशन के लिए करेक्ट पाथ ऑफ मोशन कौन सा होगा, जिसके लिए लाइन इंटीग्रेशन, इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो, एक्सट्रीमम हो, स्टेशनरी हो, और यदि अपन इसमें वेरिएशन की बात करें तो वो क्या हो, अपने पास इक्वल्स टू जीरो हो। ठीक है, तो ये अपने पास जो मेथड है, यही मेथड अपना क्या कहलाता है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, या फिर इसी को अपन वेरिएशनल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक बार मैं इसी चीज़ को एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या देखा है अपन ने। देखिए, देखिए क्या पढ़ा है अपन ने कि सबसे पहले अपनी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन और वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अपन ने देखिए कि यहाँ अपन ने दो पॉइंट ले लिए, कोऑर्डिनेट है इसके x1y1 और x2y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यदि अपन सिस्टम की मोशन को दिखाना चाहते हैं तो अपने पास कितने भी पाथ यहाँ पर अपने पास हो सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो मेथड क्या रहेगा अपना कि सॉल्यूशन ऑफ डायनेमिकल प्रॉब्लम किन दो पॉइंट्स पे डिपेंड करती है, एक तो इन पार्टिकल्स की पोजीशन और दूसरा पार्ट सिस्टम कितने पाथ ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हो गए। सेकंड, यदि अपन बात करें तो पाथ के लिए जो अपने पास इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी बेसिस पे भी अपन जो मेथड अपना सकते हैं कि एक तो अपने को पीस वाइज यहाँ पे जो सिस्टम अपना पाथ फॉलो कर रहा है, यदि उस पाथ के बारे में अपने पास जो इन्फॉर्मेशन दी हो वो पीस वाइज हो, ठीक है, टुकड़ों में यदि अपने को इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वहाँ पे अपन पाथ की सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर उसका करेक्ट पाथ ऑफ मोशन को निकालने के लिए डिफरेंशियल मेथड यूज़ करते हैं। तो डिफरेंशियल मेथड में अपने को क्या करना होता है कि जो अपना फंक्शन होता है उसको अपन उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखते हैं तो अपने पास पॉइंट्स निकल के आते हैं। ठीक है, और उन पॉइंट्स को रख के यदि अपने पास वापस से यदि अपन डबल डेरिवेटिव करते हैं तो अपने को नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। उस बेसिस पे अपन मैक्सिमा मिनिमा को निकाल लेते हैं। ये अपने पास मैथमेटिकल मेथड होता है जो कि अपन सभी जानते हैं, सभी ने अपन ने यूज़ किया है इसको। तो उन्हीं मैक्सिमा मिनिमा की बेसिस पे अपन सिस्टम के पाथ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है जिसको अपन इंटीग्रल मेथड, वही अपना जो वेरिएशनल प्रिंसिपल वेरिएशनल मेथड होने वाला है, उसमें क्या होता है कि यहाँ अपने को एक पाथ लेना होता है। ठीक है, टोटल यहाँ अपने सिस्टम पी से क्यू के बीच में एक पाथ अपन ने कंसिडर कर लिया है। ठीक है, वहाँ पे टोटल कर्व में से एक छोटा सा एलिमेंट डीएस एलिमेंट अपन ने कंसीडर किया है और ये डीएस एलिमेंट की वैल्यू क्या है, डीएक्स स्क्वायर प्लस डीवाई स्क्वायर। तो क्योंकि देखो लाइन इंटीग्रेशन को शो करने के लिए कोई ना कोई फंक्शन अपने को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन अपना आया है वो फंक्शन अपना फंक्शन किस किस का फंक्शन हो सकता है, वाई वाई डैश और एक्स का। और टोटल पाथ को दिखाने के लिए यहाँ तो अपन ने इस छोटे से पार्ट की बात करी है, टोटल पी से क्यू तक जाने के लिए टोटल पाथ को दिखाने के लिए अपन इसका क्या कर देंगे, लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे। और यही पाथ अपना क्या होगा,
करेक्ट पाथ ऑफ मोशन होगा, कब होगा, जब इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास क्या हो, एक्सट्रीमम हो, ठीक है। और यदि लाइन इंटीग्रेशन अपना एक्सट्रीमम वैल्यू रखता है तो वेरिएशन क्या हो, इसमें वेरिएशन किसके बराबर होंगे, इक्वल्स टू जीरो के बराबर, ठीक है। तो ये है अपना वेरिएशन प्रिंसिपल मैथड, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ अपने पास MSc प्रीवियस में जो क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है वो होता है इसी वेरिएशनल प्रिंसिपल की हेल्प से अपने को आइलर लांगराज इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो अपने पास जो इक्वेशन की फॉर्म आएगी, रिजल्टेंट इक्वेशन की जो फॉर्म आएगी वो लगभग सिमिलर होगी लांगराज इक्वेशन के, ठीक है। बस माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस होगा साइन का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को इस वेरिएशनल प्रिंसिपल की हेल्प से आइलर लांगराज इक्वेशन को डिराइव करना है, जो कि अपना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्ज़ाम के हिसाब से ये अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आप ये वाला, आप अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। एंड नेक्स्ट अपन हेडिंग लिखेंगे आइलर लांगराज इक्वेशन, ओके। तो आइलर लांगराज इक्वेशन में अपने को क्या करना रहेगा, ओके। आइलर लांगराज इक्वेशन, ओके। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है आइलर लांगराज इक्वेशन फ्रॉम वेरिएशनल मेथड। यहाँ अपने को जो अपने पास इम्पॉर्टेंट अपने पास इक्वेशन है, आइलर लांगराज इक्वेशन को अपन डिराइव करेंगे वेरिएशनल मेथड की हेल्प से, ओके। तो देखिए जहाँ अपन ने लास्ट जो अपना वेरिएशनल मेथड का जो फंक्शन लिया था, इंटीग्रेशन फंक्शन लिया था इंटीग्रल, वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करना है, मेथड अपना किस तरीके से होने वाला है, सिंस सिंस द लाइन इंटीग्रल वहाँ पे देखो अपन ने क्या किया था कि एक अपन ने कोई भी पाथ सिस्टम के लिए कंसीडर किया था, उस पाथ में से उस कर्व में से अपन ने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया था और वहीं से अपन ने सिस्टम के लिए फंक्शन को डिफाइन कर दिया था। तो वो टोटल पाथ के लिए, टोटल पाथ को फाइंड आउट करने के लिए अपने उस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल कर लिया था। तो यहाँ पर उसी लाइन इंटीग्रल को अपन डायरेक्टली ले रहे हैं। लाइन इंटीग्रल क्या था अपने पास, लाइन इंटीग्रल की फॉर्म है I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ वाई वाई डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपना लाइन इंटीग्रल है वो सिस्टम के लिए करेक्ट पाथ को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये तो अपने पास एक ही पाथ है, लेकिन सिस्टम यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में यदि मोशन कर रहा है तो उसके लिए अपने पास लार्ज नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं। तो देखिए हियर हियर वी मे टेक सेवरल नंबर ऑफ पाथ, सेवरल नंबर ऑफ पाथ फॉर मोशन ऑफ सिस्टम एंड ए पैरामीटर
पैरामीटर वी टेक ए पैरामीटर एंड वी टेक ए पैरामीटर अल्फा associated with each path such that for particular value of particle value of alpha the path become extremum. ठीक है, यहाँ पर ने क्या माना कि जैसे यदि सिस्टम क्या काम कर रहे हैं अपन कि सिस्टम की मोशन इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हो रही है, ठीक है, ये अपना P2Q पॉइंट है। तो देखिए एक एक पाथ के लिए तो अपन ने लाइन इंटीग्रेशन को शो कर दिया, लेकिन अपने पास यहाँ पे बहुत सारे पाथ सिस्टम की मोशन के लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पर ने काम क्या किया है कि एवरी पाथ को शो करने के लिए एक पैरामीटर अपन ने यूज़ किया है, वो पैरामीटर है अपना अल्फा पैरामीटर। ओके, तो देखिए जब अपन एवरी पाथ के करस्पॉन्डिंग पैरामीटर अल्फा को ले रहे हैं तो जो अपना लाइन इंटीग्रल होगा वो किस तरीके से दिखाया जाएगा, यहां लिख सकते हैं दैट इज आई ऑफ अल्फा इंटीग्रेशन एफ y भी अपना मतलब वेरिएशन निकाल लेंगे अपन अल्फा के रेस्पेक्ट में, y भी अल्फा का फंक्शन होगा, y डैश अल्फा एंड x ऑफ अल्फा इंटू dx। ठीक है, तो यहां पे यदि अपन अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका चेंज देखते हैं, चेंज विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, यदि अल्फा के रेस्पेक्ट में चेंज अपन देखते हैं तो वो अपना चेंज लिखा जाता है सिस्टम की मोशन को अपन ने इंटीग्रेशन इंटीग्रल फंक्शन आई आई से अपन ने रिप्रेजेंट किया है, लेकिन यहाँ पे अपने पास सेवरल नंबर ऑफ पाथ सिस्टम के लिए हो सकते हैं। तो एवरी पाथ के करस्पॉन्डिंग अपन ने यहाँ पे एक पैरामीटर यूज किया है, वो है अपना अल्फा पैरामीटर। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में यदि अपन चेंज देखते हैं तो वो अपना रिप्रेजेंट किया जाएगा डी आई अपॉन डी अल्फा, और राइट साइड में अपना क्या हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल अल्फा प्लस डेल, पहले फंक्शन अपना वाई का फंक्शन है और वाई फर्दर किसका फंक्शन माना है अपन ने अल्फा का, तो पहले फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में चेंज होगा देन वाई का अल्फा के रेस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पे देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश अपॉन डेल अल्फा, सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल अल्फा, ओके इनटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने चेंज विद रेस्पेक्ट टू अल्फा देख लिया, बट देखिए यहाँ पे अपन ने एवरी पाथ के करस्पॉन्डिंग जो अल्फा फैक्टर अपन ने यूज किया है वो केवल चेंज दिखा रहा है वाई कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में कोई चेंज शो नहीं हो रहा अपना। तो यहाँ अपन क्या मान सकते हैं, एक बार डायग्राम को देखिए कि यहाँ अपन ने क्या काम किया है कि अल्फा पैरामीटर को अपन ने इस
तरीके से लिया है अपन ने कि यहाँ केवल ये जो y कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ही चेंज को शो करे, x कोऑर्डिनेट अपन ने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, कि यहाँ अपन ने एक ही पॉइंट के रेस्पेक्ट में, लेट यहाँ पे बीच में अपन ने कोई पॉइंट लिया है, वहीं पे अपन ने अल्फा पैरामीटर को डिफाइन किया है। तो ये अपनी क्या है, एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जब अपन एवरी पाथ ऊपर 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 पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जाते जा रहे हैं, तो केवल वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट में यहाँ पे फिक्स। देखो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखेंगे, एक सेकंड देखिए कि यहाँ पे जब अपन अल्फा को ले रहे हैं ए की पोजीशन पे, ओके, तो यहाँ पे ये अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा, अल्फा और अल्फा, ठीक है। एवरी पाथ के करस्पॉन्डिंग अपन ने पैरामीटर को ले लिया और वो अपन ने इस टाइप से लिया है कि ये यहाँ पे जब अपन, लेट ये अपना कोई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पी डैश है, तो यहाँ पे जब अपन कोऑर्डिनेट देखते हैं तो ये अपना होता है एक्स एंड वाई, ओके। ऊपर जाएंगे तो चेंज किस में होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, केवल अपना वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। वैसे ही अपन एवरी पाथ के करस्पॉन्डिंग देते हैं इस पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट अपना कॉन्स्टेंट रहता है, केवल और केवल चेंज होता है अपना वाई कोऑर्डिनेट। इसीलिए यहाँ पे जो इस इंटीग्रेशन की थर्ड टर्म है, वहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल अल्फा, एक्स का अल्फा के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू, लिख सकते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, डेल एक्स अपॉन डेल्फा अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इसको इक्वेशन टू लिख लेना, ऊपर वाली जो अपने आई थी उसको अपन लिखेंगे इक्वेशन वन, इसको अपन लिख देंगे इक्वेशन वन, ठीक है। तो इक्वेशन टू में यदि अपने पास थर्ड टर्म अपने पास इक्वल्स टू जीरो हो रही है, देन अपने पास क्या बचेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन टू, देन फ्रॉम इक्वेशन टू डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, अपने पास डी आई अपॉन डी अल्फा आ जाता है इंटीग्रेशन डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल अल्फा प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, डेल वाई डैश अपॉन डेल अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने जो अपना इंटीग्रेशन था उसका अपन ने अल्फा के रेस्पेक्ट में चेंज कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे अपन बोथ साइड क्या करें, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेटिंग यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं लिमिट अपनी कहाँ से कहाँ तक है, x1 टू x2, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अपन इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, di आई अपॉन डी अल्फा और इक्वल होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, फर्स्ट टर्म है अपने पास डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल वाई अपॉन डेल अल्फा इंटू डी एक्स, और सेकेंड टर्म है अपने पास ये वाली, और ये वाली है अपने पास डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश अपॉन डेल अल्फा इंटू डी एक्स, एक्स वन टू एक्स टू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ अपन फर्स्ट टर्म का सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपने पास फर्स्ट टर्म है, ये अपने पास सेकेंड टर्म है, तो यहाँ अपन जो सेकेंड टर्म अपने पास है उसको अपन पहले सॉल्व कर लेते हैं, और इस इंटीग्रेशन को अपन किसके किससे करेंगे, बाईपार्ट्स इंटीग्रेशन, थ्रू बाईपार्ट इंटीग्रेशन। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग सेकेंड टर्म ऑफ आवर इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सेकेंड टर्म ऑफ अबव इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड आप इसको लिख लेना, क्योंकि यहीं पे अपने को बाद में वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स सेकेंड टर्म ऑफ
अबव इक्वेशन, तो इक्वेशन थर्ड की सेकंड टर्म को यदि अपन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से करते हैं तो अपने पास सेकंड टर्म क्या है, एक्स वन टू एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, डेल वाई डैश अपॉन डेल अल्फा इंटू डी एक्स। तो ये जो अपने पास टर्म है इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, एक्स वन टू एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और ये अपना हो जाएगा डी वाई डी एक्स और डेल वाई अपॉन डेल अल्फा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि वाई डैश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को। तो ये जो अपने पास है ये अपना इस तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे अपन क्या अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अपन सभी जानते हैं, ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये अपना सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में अपन क्या करते हैं, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो डेल वाई अपॉन डेल अल्फा, और यहाँ पे लिमिट क्या है अपने पास, एक्स वन टू एक्स टू। नेक्स्ट हमें अपने को क्या करना है, नेगेटिव साइन के साथ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, सेकेंड का इंटीग्रेशन डेल एफ अपॉन डेल अल्फा, और ये जो पूरा अपने पास आया है उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म में अपने पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, एक्स वन टू एक्स टू। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम के लिए अपन ने मोशन को कहाँ से कहाँ तक कंसीडर किया था, फ्रॉम पी वन टू पी टू। ओके, यहाँ पे यदि अपन इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब अपन देखते हैं तो ये होते हैं अपने पास एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ओके, एक्स टू वाई टू, तो यहाँ पे देखिए फिक्स पॉइंट, यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू, यहाँ पे अपने पास क्या है, फिक्स पॉइंट है, और दो फिक्स पॉइंट के बीच में अपने पास सिस्टम की मोशन हो रही है। तो जब यहाँ पे अपन वाई की वैल्यू, जब आप यहाँ पे अपन क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए कि यहाँ जब अपन क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स वन और एक्स टू, तो एक्स वन और एक्स टू अपने पास फिक्स पॉइंट होने के कारण इनका जो डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू फिक्स पॉइंट होने के कारण ये जो अपने पास वैल्यू देता है वो होती है अपने पास इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो वैल्यू होने के कारण अपने पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। तो लिख सकते हैं अपन, सिंस हियर एक्स वन एंड एक्स टू आर फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज डेल एफ अपॉन सॉरी डेल वाई अपॉन डेल अल्फा एट एक्स वन और डेल वाई अपॉन डेल अल्फा एक्स टू और एक्स वन दोनों पे वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरीके से जो अपने पास जो वैल्यू बचेगी इस इंटीग्रल की, केवल कौन सी बचती है, सेकंड वाली। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन दे देते हैं फोर, देन फ्रॉम इक्वेशन फोर वी कैन राइट देन फ्रॉम इक्वेशन फोर वी कैन राइट इक्वेशन फोर में अपने पास है, जो अपन ने बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन किया था सेकंड टर्म का, तो उसकी वैल्यू केवल क्या बच जाती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड डेल वाई डैश अपॉन डेल अल्फा। ये अपने पास सेकंड टर्म थी और उसकी वैल्यू अपने पास केवल बच जाती है फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डेल वाई अपॉन डेल अल्फा इंटू डी एक्स। ओके, यही वैल्यू अपने पास यहाँ पे बच जाती है। तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू अपने पास आई है, इस वैल्यू को अपने को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में अपन ने यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन अपने पास था
ये अपने पास वैल्यू किस वैल्यू किसकी थी, डी आई अपॉन डी अल्फा की, और डी आई अपॉन डी अल्फा में जो अपने पास आर एच एस में आया था वहाँ पे अपन ने उसको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सेकेंड टर्म का सॉल्यूशन अपन ने यहाँ पे कर लिया है थ्रू बाईपार्ट्स इंटीग्रेशन, और जब अपन ने बाईपार्ट्स इंटीग्रेशन किया है तो बाईपार्ट इंटीग्रेशन किससे, यहाँ पे अपने पास इसकी वैल्यू केवल ये वाली आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई अपने पास इक्वेशन 5 में, उसको अपन पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ अपने को रिजल्ट क्या मिलता है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पास आ जाएगा डी आई अपॉन डी अल्फा, और वहाँ पे इक्वेशन थर्ड में अपने पास जो फर्स्ट टर्म थी वो अपनी क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है अपने पास। और जो सेकेंड अपने पास वहाँ पे थी उसको अपन ने बाईपार्ट्स इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लिया था, वैल्यू अपने पास यहाँ पे इक्वेशन 5 में है, तो इक्वेशन 5 से अपन डायरेक्टली वैल्यू कहाँ रखेंगे अपने पास, यहाँ पे, ओके। तो देखिए अपने पास क्या फॉर्म आती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल अल्फा माइनस इंटीग्रेशन फॉर्म एक्स वन टू एक्स टू डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश डेल वाई अपॉन डेल अल्फा इंटू डी एक्स, ओके। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंटीग्रल फंक्शन, लाइन इंटीग्रल का अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, बोथ साइड यदि अपन डी अल्फा से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास क्या वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद डी अल्फा। तो यहाँ पे यदि अपन दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों साइड यदि अपन डी अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपने पास डी आई के अपॉन में ऑलरेडी डी अल्फा है तो वो अपना कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अपने पास क्या बचता है, राइट हैंड साइड में अपने पास वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वाई अपॉन डेल अल्फा। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं दोनों के लिए, इंटीग्रेशन भी अपने पास ये कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और अपना ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन, या फिर अपन क्या काम कर सकते हैं, चलो नेक्स्ट टर्म में अपन इसको भी ले लेंगे कॉमन, और वो अपना हो जाएगा डी एक्स डी अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टर्म में अपने क्या कर लेंगे कि ये जो अपने पास डिफरेंशियल फॉर्म है डेल वाई अपॉन डेल अल्फा, ये अपने पास दोनों में कॉमन है, तो देखिए नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है यहाँ अपने पास दोनों के पास है तो इसको भी अपन ब्रैकेट के बाहर दोनों के लिए कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, यहाँ पे जब अपन डेल वाई अपॉन डेल एफ को दोनों के लिए कॉमन ले रहे हैं तो फर्स्ट अपना केवल बच जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है डेल वाई अपॉन डेल एफ आई यहाँ अपने पास दोनों के लिए कॉमन है, तो देखिए यहाँ डेल वाई अपॉन डेल अल्फा इंटू डी अल्फा, ठीक है। तो ये जो अपने पास आया है ये अपना टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए सिंस जो टोटल डिवाई होगा अपना, टोटल डिवाई को अपन लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन डी अल्फा इंटू डी अल्फा, तो यहाँ पे अपन जो टोटल अपने पास वैल्यू आई है उसकी जगह अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी वाई को, ओके। तो ये अपना हो जाएगा डी अल्फा, और यहाँ अपन नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, नेक्स्ट अपने पास जो वैल्यू आएगी वो होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू डेल
एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, यहाँ पर डैश आएगा, ठीक है, और ये अपने पास आ जाएगा टोटल डी वाई एंड डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे जो अपने पास इंटीग्रेशन की फॉर्म आई है उसमें अपन क्या अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी दे दी अपन इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें तो जो वैल्यू अपने पास होगी वो लिखी जाएगी। देखिए तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फॉर एक्सट्रीमम पाथ, एक्सट्रीमम यहाँ पे अपन जो पाथ अपन कंसीडर कर रहे हैं, करेक्ट पाथ जो मोशन होगा अपना वो क्या होगा, स्टेशनरी वैल्यू रखेगा, एक्सट्रीमम पाथ होगा, और एक्सट्रीमम पाथ के लिए जो अपना डी आई आएगा, जैसे कि अपन ने वेरिएशनल मेथड में अपन ने किया था कि जो करेक्ट पाथ ऑफ मोशन अपन सिस्टम के लिए लेके चल रहे हैं वो कैसी वैल्यू रख रहा है अपने पास, स्टेशनरी वैल्यू, एक्सट्रीमम वैल्यू, और उसमें वेरिएशन यदि अपन देखते हैं तो वो वेरिएशन क्या आते हैं अपने पास, इक्वल्स टू जीरो आते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे डी आई अपना जीरो हो जाएगा, देन लिख सकते हैं अपन ये अपना वैल्यू चल रहा था डी आई, तो ये जो इक्वेशन अपने पास बनी है वो होगी अपने पास इक्वेशन सिक्स, देन फ्रॉम इक्वेशन सिक्स कौन सी फॉर्म अपने को मिल सकती है, वी कैन राइट इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश एंड ब्रैकेट में अपने पास क्या है टोटल डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास, एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और टोटल ये जो वैल्यू होगी अपने पास क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए इस इंटीग्रल फंक्शन में कि यहाँ जो टोटल डिवाइड डी एक्स है ये अपने पास एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये तो अपने पास क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी, और जब ये क्वांटिटी अपने पास नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो जो ब्रैकेट में अपने को क्वांटिटी मिली है उसको अपन इक्वल्स टू जीरो रख सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंस सिंस हियर जो वैल्यू अपने पास डी एक्स डी वाई वाली वो तो अपने पास नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गई, देन वी कैन पुट यहाँ अपन क्या रख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में अपने पास क्वांटिटी आई है ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो अपने पास जो फॉर्म आती है वो अपने पास होगी, देखिए वो अपने पास रिजल्टेंट फॉर्म आएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो अपने पास इक्वेशन की फॉर्म बनी है यही इक्वेशन अपनी क्या कहलाएगी, आइलर लांगराज इक्वेशन, ठीक है। तो जो ये जो अपने पास रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है ये अपने आइलर लांगराज इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो अपने पास जनरल लांगराज इक्वेशन थी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ओके ना। तो ये जो आज अपना टॉपिक हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे देखिए लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे अपन दिस इज द वेल नॉन आइलर लांगराज इक्वेशन, ओके, दिस इज द वेल नॉन, दिस इज द वेल नॉन आइलर लांगराज इक्वेशन, ओके। तो देखो आज का जो अपना लेक्चर हुआ है उसमें अपन ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है उसको डिस्कस किया है, और उसी वेरिएशनल प्रिंसिपल की हेल्प से अपन ने अपनी जो आइलर लांगराज इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि अपने को याद रखनी है वो है अपने पास कि सिस्टम की मोशन को यहाँ पे अपन ने दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्क्राइब किया है, और उस मोशन के लिए अपने पास जो करेक्ट पाथ ऑफ मोशन होगा सिस्टम के लिए वो कौन सी वैल्यू रखेगा, स्टेशनरी वैल्यू रखेगा, एक्सट्रीमम वैल्यू उसके पास होगी, और उसमें यदि वेरिएशन अपन लेते हैं तो वो वेरिएशन